हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको क्या दिख रहा है इसमें क्या है, समीकरण है यार। समीकरण में देखो, समीकरण के बारे में आपको पता हो सही, और हमने समीकरण के वीडियो बहुत बनाए हैं, जो हम दोबारा वीडियो फिर बना रहे हैं आपको समझाने पिलाने कि आप लोग इसे समीकरण हल करना बनता है। हमने आपको समीकरण के बारे में बताया, तो समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं समीकरण में, या भाई दो पक्ष होते हैं, बीच में समता या बराबर का चिन्ह होता है, तो भैया समता बराबर का चिन्ह, जिसमें दो पक्ष हो और बीच में बराबर लगा हो, तो वो आपका क्या समीकरण ही है। इसको बराबर भी बोला जाता है, इसी को समता भी बोला जाता है। भाई साहब समझो यार, कभी समझोगे तुम लोग, बिल्कुल सुनते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं सुनते। जे आपका समता भी बोला जाता है, इसको बराबर भी बोलते हैं अपन, ज्यादा समता ज्यादा कम बोलते हैं, बराबर बोलते हैं ज्यादा, ठीक है। इसको बराबर बोला जाता है, ज्यादातर बराबर ही पॉपुलर है, मतलब पब्लिसिटी को कर सबसे ज्यादा बराबर के नाम चलता है ये। तो इसमें दो रंग नाम, मतलब बराबर के हिसाब से इनको नाम बराबर है, ये समता इसका नाम है, नाम है समता बोला जाता है तो। और बराबर चलता है सबसे हाई फाई लेवल पे, जिसको ज्यादा सपोर्ट करता है उसका भी चलता ही नाम, ठीक है। पब्लिक जिसको सपोर्ट करेगी वही चलेगा, तो इसमें बराबर चलता है। तो देखो अपन में समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में क्या हो चाहिए, बीज या व्यंजक हल चाहिए, ठीक है। चल राशियां भी हो, कुछ नहीं है, एक पक्ष में चल राशि, एक पक्ष में नहीं, लेकिन दोनों पक्षों में से एक पक्ष में क्या हो चाहिए, चल राशि हो चाहिए, जरूर हो चाहिए, तभी तो समीकरण बनेगा। दोनों पद में क्या हो चाहिए, बीज या व्यंजक हो चाहिए, या एक पक्ष में हो, दोनों में ना भाग चाहिए, एक पक्ष में तो भैया। तो यहाँ पर एक पक्ष में कहा है बीज, मतलब चल राशि एक पक्ष में, एक पक्ष में चल राशि, एक पक्ष में कुछ नहीं है, मतलब एक पक्ष में जीरो शून्य कैसे भी नहीं है, तो ये आपका समीकरण है। अगर है तो भी समीकरण, नहीं है तो भी समीकरण है, एक पक्ष में जरूर हो चाहिए चल राशि। तो जो आपके समीकरण है सब बराबर भी लगा आपके बीच में, और दो पक्ष हैं, एक पक्ष जी है, एक पक्ष जो, तो इन पक्ष के नाम क्या है भैया, जी आपका क्या है, जी आपका बाएं पक्ष है, जी आपका दाएं पक्ष है, तो ठीक है, जे दाएं पक्ष, जे बाएं पक्ष, नाम रखो दाया, जी आपका दाया है, जी आपका बाया है, ठीक है, दाया पक्ष बाया पक्ष, ठीक है। दो पक्ष होते हैं दाया बाया पक्ष, ठीक है, इनको नाम याद रखना, दाया पक्ष को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष को बोला जाता है आरएचएस, ठीक है, आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट माने दाया और राइट माने बाएं, ठीक है, राइट माने दाएं होता है शायद, तो दाएं और बाएं हमारे साइड, इस साइड दाएं है, इस साइड बाएं है, दाएं और बाएं, तो इस साइड तो बाएं जाएगा, इस साइड दाएं आएगा, तो इस साइड हां दाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज राइट। रामदो आपको कंफ्यूजन होगी थोड़ी मोड़ी, रामदो तो दाएं पक्ष, तो पक्ष जो बस आपको पता है, ठीक है रामदो, ठीक। यहां से इसको हल कैसे करें, इसकी बात कहां से करें अपन चालू, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको समीकरण दिख रहा है, इसमें समीकरण में क्या करना हो, तो चर राशि का मान है, जो उनसे चर राशि दी है उसका मान निकालना पड़ता है। समीकरण में एक ही चर होता है, अगर दो चर है तो वो आपका दो चर वाला समीकरण है, इसमें एक ही चर का मतलब चर राशि, सिंगल चर वाला समीकरण, तो इसमें अपना चर का मान निकालना, ठीक है। तो इसमें एक ही चर देखा, दूसरा चर भी है ना, एक अगर दो चर है तो एक ही से चर, दूसरे चर को मतलब हो के और अलग चर वाई आ जाए, जिसमें यहाँ पर वाई आ जाता, कहूँ कोई वाई आ जाता तो मतलब समझ जाते वो दो चर में अलग आ जाते, एक्स आ जाए तो सोच कोई मतलब नहीं, एक्स तो एक्स है, या तो एक्स ही बोला जाता। तो समीकरण को हल करने पर हमें एक्स माइनस के अठारह आपके जाएंगे तो बराबर होना जीरो देंगे, अब ये क्या करना है कि जो माइनस को है अठारह, माइनस को अठारह इसको पहचान तो नहीं, तो अचर है, अचर को अगर पक्षांतर करेंगे तो इस साइड जाएगा तो माइनस से चिन्ह हो जाएगा इसका प्लस में, जब आपका इस साइड जाता है तो प्लस में बन जाता है, जीरो माइनस में अठारह गया तो यहाँ पर जीरो प्लस में अठारह, यहाँ पर इस साइड आया ना, तो ये माइनस का प्लस में बनेगा और जीरो में जुड़ गया, तो जीरो में अठारह छोड़ोगे जाएगा अठारह, अठारह आ जाता है, इसलिए लोग डायरेक्ट अठारह ही लिख देते, जे वाला पद नहीं लिखते यहाँ पर। अब यहाँ पर गुणा है भैया, गुणा पक्षांतर के नियम याद रखने पड़ते, गुणा का पक्षांतर कहाँ जाता है भाग में, तो गुणा का पक्षांतर कहाँ जाता है भाग में, तो भाग क्या होता है नीचे, नीचे जाता मतलब बटे में, एक्स का भाग नौ में लगाएंगे, नौ का भाग अठारह में, नौ का भाग लगाएंगे तो नौ दूना अठारह दो बार गया, तो जे दो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देना, अब आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। और जब भी आप प्लस का पक्षांतर करोगे तो दूसरे साइड जाएगा, दूसरे पक्ष माइनस हो जाएगा,
जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते तो उनके चिन्ह चेंज करने पड़ते, मतलब बदलने पड़ते। अगर प्लस का ले जाए तो माइनस का देने, अगर माइनस को ले जाए तो माइनस प्लस को कर, माइनस को ले जाए तो प्लस कर लो। मैं देखो यहाँ पर माइनस का ले आया तो ना इस पक्ष में तो प्लस कर, अगर प्लस को इस साइड ले आए तो माइनस कर देना, ठीक है। चार राशियां अलग कर देना बस, आपका निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना था।